क्षेत्र पिजड़ा हो गया है और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है। जिसका झोपड़ी 50,000 का नहीं है उसके घर 50,000 का बिल आया है और पब्लिक कह रही है कि आप लोग हिजड़ा हो गए, आप लोग कुछ बोलते नहीं है। सदन को अपमानित करने के लिए किसी को छूट नहीं, और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ है। क्या करेंगे, सदन देखते हैं, सदन चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं, हम तो एक विधायक हैं। विधायक क्षेत्र पिजड़ा हो गया है और नीतीश बाबू के राज्य में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, तो हमारी पार्टी का एक भी विधायक जो है खड़ा होकर नहीं बोला कि इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। बोलना चाहिए था, सदन को अपमानित करने के लिए किसी को छूट नहीं है। आपको लगता है सर कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह के भाषा का और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हाँ, और जो एटीट्यूड दिखा, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। आप क्या बोले, क्या थे आप अपने भाषण में जो बोले थे अपने? नहीं, हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है, मतलब अपने लिए बोले थे। हम दो विधायक थे, राम सिंह और मैं, हमारे क्षेत्र में एक एक गरीब के घर 50,000 का बिल आया है। जिसका झोपड़ी 50,000 का नहीं है उसके घर 50,000 का बिल आया है, और पब्लिक कह रही है कि आप लोग हिजड़ा हो गए, आप लोग कुछ बोलते नहीं है, सदन में बैठे रहते हैं। हम लोग आजकल तो सब लोग के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को क्या करेंगे सर कि कल जो घटना घटी आज इस पे आप लोग कुछ करेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, सदन देखते हैं, सदन चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं। हम तो एक विधायक हैं, विधायक की हैसियत से बैठेंगे, और हम ये बार बार कहेंगे कि सदन में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरह से कोई को भी अपमानित करने का हक नहीं है, अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ है। और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।